तो कांग्रेस की हल्ला बोल रैली को लेकर राजदान सिंह को आपने सुना और काफी उत्साहित वो नजर आए इस रैली की तैयारियों को लेकर। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस रैली की तैयारियों को लेकर और ये जो रैली होने वाली है उसको लेकर कितना जोश भरा हुआ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, इस बारे में हमारी सहयोगी प्रियंका राय ने कार्यकर्ताओं से बात की। क्या कहा कार्यकर्ताओं ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर एक अहम बैठक हो रही है, जिस बैठक में शामिल होने के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे जगह से तमाम कार्यकर्ता और बड़े चेहरे दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। चलिए मैं आपको कैमरे के माध्यम से जरूर दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर तमाम तैयारियां की गई हैं, क्योंकि एक सुबह से ही कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिस तरीके से इस मीटिंग की बात की जा रही है कि कार्यकर्ताओं को ये बताया जाएगा कि उनकी जिम्मेदारी क्या होगी ताकि महंगाई के खिलाफ जो हल्ला बोल रैली कांग्रेस करने वाली है उसको संपन्न किया जा सके, सक्सेसफुल बनाया जा सके। यहाँ बैठने की तमाम जो अरेंजमेंट है वो की गई है, कुर्सियाँ लगाई गई हैं, पंखे लगाए गए हैं क्योंकि बहुत गर्मी है। तो कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा घंटों बैठक करेंगे और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखेंगे, कहीं ना कहीं उनके अंदर एनर्जी भरते हुए दिखेंगे और आगे किस तरीके से रैली को संपन्न करना है, किस तरीके से सक्सेसफुल बनाना है, इस पर भी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। तमाम बड़े नेता भी इस मंच पर दिखेंगे। थोड़ी ही देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचेंगे और इसी मन से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी दिखेंगे। यहाँ कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। आपको दिल्ली बुलाया गया है, आज मीटिंग होनी है, तो हल्ला बोल रैली को लेकर क्या मीटिंग में बातचीत की जाएगी और क्या रणनीति होगी? आज हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र जी ने हमें यहाँ बुलाया है, तो 4 तारीख को जो कांग्रेस की हल्ला बोल रैली है उसमें जिम्मेवारियाँ दी जाएंगी। अपने अपने जिलों से, अपने अपने गांव से अपने विधानसभा से ज़्यादा संख्या में हम अपने साथियों को, अपने लोगों को लेकर आएँ, इस चीज़ की आज जिम्मेवारी निर्धारित की जाएगी। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी परेशान कर रहे हैं और जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की ज़रूरत है? सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा मुद्दा गैस सिलेंडर आज 1150 रुपये का हो गया है, सबसे बड़ा मुद्दा देश को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, ये आज सबसे बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं को लेकर कांग्रेस 4 तारीख को हल्ला बोल रैली कर रही है। यहाँ कुछ महिलाएं कार्यकर्ता भी हैं जो दिल्ली पहुंची हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर आज जो ये मीटिंग हो रही है इस मीटिंग का क्या मकसद है, क्योंकि हल्ला बोल रैली है और कांग्रेस कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि इसको पूरी तरीके से मजबूती से इस जो रैली है इसको संपन्न करना है और आवाज़ भी उठानी है। तो कौन कौन से वो तमाम मुद्दे होंगे जो इस रैली के दौरान जनता देख सकेगी? ये जो 4 तारीख को रैली है उसके बारे में आज मीटिंग बुलाई है, हर एक हल्के से ज़्यादा ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे, महिलाएं भी आएंगी। और जो मुद्दा महंगाई का है, आप सिलेंडर पर लगा लो, बेरोजगारी पर लगा लो, और भी ज़्यादा समस्याएं हैं, उस बहुत तरीके से अच्छे तरीके से हल्ला बोल रैली का आयोजन होगा। मुद्दा अग्निवीर योजना का भी है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कांग्रेस सरकार को घिरती हुई देख रही है। क्या हल्ला बोल रैली में अग्निवीर प्रक्रिया से अग्निवीरों की जो भर्ती हो रही है उसका मुद्दा भी उठाया जाएगा? बिल्कुल, सभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हें हम उठाएंगे। आज की जो मीटिंग है, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है रणनीति तैयार करने के लिए बुलाया गया है? बिल्कुल जी, हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की आवाज़ घर घर तक, गाँव गाँव तक पहुँचे और इसके तहत हम एक रणनीति बनाएंगे कि कैसे हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि ये जो सरकार है इसने एक दुष्प्रचार फैलाया हुआ है कि सब कुछ ठीक है, सबकी प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है देश की, तो हम लोगों को उजागर करना चाहते हैं, इसके तहत हम रणनीति बनाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पहुँच रहे तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनता के जो मुद्दे हैं जिससे सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है उन तमाम मुद्दों को उजागर करेंगे और हल्ला बोल रैली को कहीं ना कहीं इन कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि बेहतर तरीके से संपन्न करना है और सक्सेसफुल बनाना है, ताकि जिस कांग्रेस को संसद में बोलने नहीं दिया गया, जब वो कांग्रेस सड़क तक आती है तो क्या कुछ कर जाती है ये दिखाने में कांग्रेस पूरी तरह लग गई है और हल्ला बोल रैली को संपन्न भी बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।